हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सैमसंग के इस फ़ोन में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अपने गेम की या फिर कोई अदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे, विद वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वो भी विदाउट एड, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं भी देखते हैं कोई एप्लीकेशन आपको नहीं मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार में जाते हैं तब भी आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ और उसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एक्स रिकॉर्डर। जैसे एक्स रिकॉर्डर डालेंगे तो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन आ जाता है, और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन में क्या होता है, आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ऐड नहीं आती, कोई गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐड वगैरह नहीं आती हैं। तो यहाँ से इसे बैक कर देते हैं और यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारा आ जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इसे अलाउ करना है। फर्स्ट टाइम इसको आपको परमिशन देनी होगी, और यहाँ से हमें इसकी परमिशन और देने होगी, तो यहाँ एक्स रिकॉर्डर, तो इसे यहाँ से ऑन कर देना है। अब यहाँ से इसे बैक चले जाना है, फिर यहाँ से इसे ओके कर देना है और इसे नेक्स्ट करना है, ओके अलाओ। और यहाँ से आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपकी ऑडियो सेटिंग है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ से माइक्रोफोन की साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइक्रोफोन पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप यहाँ पर इंटरनल एंड माइक्रोफोन मतलब कि मोबाइल के साउंड और अपने साउंड को दोनों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ओके, और इसे यहाँ से बैक कर देंगे। तो यहाँ से ओपन सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस परमिशन को आपको अलाउ करनी है, नोटिफिकेशन को अलाउ करनी है, और यहाँ से आपको और भी परमिशन अलाउ करनी है। तो यहाँ पर परमिशन मिल जाती है, तो यहाँ से भी आपको ये माइक्रोफोन साउंड पर जाना है और यहाँ से अलाउ कर देनी है। यहाँ से अलाउ करने के बाद इसे आपको बैक चले जाना है। अब बैक जाने के बाद एक बार यहाँ पर माइक्रोफोन इसे भी ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद अब आपको बैक चले जाना है, फिर यहाँ से आपको ये सेटिंग ऑन हो जाती है आपकी, फिर आपको बैक जाना है। अब यहाँ से आप जैसे वीडियो सेटिंग, तो यहाँ पर आप किस रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपके सारे रेजोल्यूशन आ जाते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब आपको बैक जाना है और इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपका ये आइकन ऑन हो जाता है, ये जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गया, इस पर क्लिक किया और यहाँ से स्टार्ट किया, ओके कर दिया, और फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर 3 सेकेंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को कम्प्लीट करते हैं। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक किया हमने, तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यह है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।